मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह सुबह चाय बनती हुई, और ये देखो चाय बनती हुई नहीं, चाय उबलती हुई, शुक्र है बच गई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं हो। और ये बाहर देखो, मेरा नाश्ता बन चुका है जिसमें दो स्लाइस ब्रेड है पीनट बटर लगा के, और चाय है, और ये साथ में मेरा स्पेक्स पाउडर है जो मैं हर जगह लेके जाती हूँ, चाहे मेरे को नीड हो ना हो। लेकिन ये है ना कि कभी आपको चक्कर आ रहे हैं कुछ है तो आप इसको पहन सकते हो। और मैं सुबह सुबह आज चाय ले रही हूँ, वैसे लेनी नहीं चाहिए सुबह सुबह चाय, कभी भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आज मैं ब्रेड के साथ चाय लूँगी, मेरा मन कर रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है पीनट बटर, बहुत ज़्यादा। मेरे को लगा ख़त्म हो गया, फ्रिज में नया डिब्बा पड़ा हुआ था। मतलब मैं सामान लाती हूँ और खुद ही भूल जाती हूँ कि क्या लेके आई और क्या नहीं लेके आई। मैंने लिप शेड ये वाला लगाया, किसी ने मेरे से पूछा था आप कौन सा लिप शेड लगाती हो, तो मैं आपको बताती हूँ आज कौन सा लिप शेड लगाती हूँ मैं। मेरे पास काफ़ी है लेकिन ये सबसे अच्छा है, और काफ़ी टाइम मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये मेबलिन न्यूयॉर्क का, इसका नंबर है 210 वर्सेटाइल, और ये लिप शेड न्यूड लिप शेड है, बहुत अच्छा है। और इसको आप जब तक रिमूव नहीं करोगे ये उतरेगा ही नहीं, चाहे आप 2 दिन तक लगा के रखो ये नहीं उतरेगा। ये बहुत अच्छा लिप शेड है। मैं रेडी हो गई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या पहना है। आज मैंने पहना है ये ग्रीन कोट सेट, आज मैं पैरट बनी हूँ, पैरट। मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हुई थी लेकिन मेरे दांत में पेन हो रही थी तो मैंने दवाई ली और मैं सो गई, और अभी मेरी फ्रेंड भी नहीं आई, वो क्लास गई हुई है अपनी, तो वो आएगी तो फिर हम मार्केट जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जाएंगे। मैं मार्केट के लिए रेडी हो गई और बस मैं निकल रही हूँ, आप लोग चल रहे हो ना मेरे साथ? अभी मजा आएगा ना। अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ आप सब बताना मेरे को कमेंट में, मैं कैसी लग रही हूँ? माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। देखो आज मैंने एक ग्रीन कोट सेट पहना है और ऊपर एक ओलिव ग्रीन कलर का मेरे को श्रग पहनना पड़ा है क्योंकि शाम में आते आते ठंड हो जाती है। साथ में मैंने वाइट कलर का अपना स्लिंग बैग कैरी किया है और साथ में वाइट स्लीपर्स। हमारे देश का है ये फ्लैग, वाओ। हाँ तो मैं रजौरी गार्डन आई हूँ, आपको दिखाती हूँ आज मैं रजौरी गार्डन की सैर करवाती हूँ। इनके यहाँ से ऑर्डर करके मैं मंगवाती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती हूँ, तो मैं वहाँ गई थी तो मेरा खाना तो बनता था। रजौरी गार्डन का मोमोज हब है, इतना फेमस है, इसके ये मोमोज इतने अच्छे हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और ये ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता मुझको, मैं तो खाऊँगी ये। ये क्यूट सा बच्चा मेरे को वहाँ मिला, मेरे को लगा ये गर्ल है, तो इसकी मम्मा से मैंने पूछा, इसकी मम्मा बोलती है ये बॉय है, कितना क्यूट है ना ये। यहाँ पे भी खाएंगे, अतुल चाट पे बहुत फेमस है ये। एक आंटी आए थे, उनको भूख लगी थी, उन्होंने मुझे बोला कि ना मेरे को ये मोट को चोरी के ला खिला दो, तो उनको मैंने खिलाई, लेकिन मैंने उनकी वीडियो सामने से नहीं बनाई क्योंकि किसी की मदद करो तो उसका फेस कम से कम रिवील मत करो। कोट सेट देख रही थी, भैया कुछ ज़्यादा ही महंगे लगा रहे थे तो मैंने नहीं लिया, महंगे लगाओगे तो मैं लूँगी ही नहीं। ये इंसेंस है, इस यहाँ पे सारी वेस्टर्न ड्रेसेस मिलती हैं। इनायत के बर्थडे के लिए जो गाउन मैंने पहना था वो मैंने यहीं से लिया था इंसेंस से। गार्डन में आप शॉपिंग करोगे तो आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी देखने को, जहाँ ये ग्लासेस लगे होते हैं, पर्स मिल रहे होते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, और खाने की बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे साइडों में। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्लिंग बैग लगे हुए थे। आप यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप शॉपिंग करते करते खाने की चीज़ें काफ़ी लगी होती है, जैसे शकरकंदी लगी हुई है, स्वीट कॉर्न लगे हैं, बहुत चीज़ें लगी होती हैं, आप खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, और साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ मैं गई थी इंसेंस में, यहाँ पे 60% ऑफ लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने 2 टी शर्ट ली थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी अच्छे प्राइस भी मेरे को मिल गई थी, तो मैंने 2 टी शर्ट्स ली थी। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बस 2 टी शर्ट्स ही लेके आई थी मैं वहाँ से। नोवेल्टी ये शोरूम था यहाँ से, गौरव की इंगेजमेंट का मैंने ड्रेस लिया था। आ गया मतुल चाट के पास, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कोई चाट खा रहा है, कोई टिक्की खा रहा है। मतुल चाट वाले की टिक्की, पाव भाजी और ये दही भल्ला पापड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो पाव भाजी टिक्की, लेकिन मैंने अपने लिए चाट बनवाई थी, ये मेरी चाट रेडी हो रही है, भैया बना रहे हैं।
आज मैंने सब कुछ खाया, चाट, मोमोज, जो जो मेरे को अच्छा लगता है मैंने सब कुछ खाया। चाट देखो कितनी डिलीशियस लग रही है, जिसका जिसका मुंह में पानी है, सबको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा इसको। मैं तो आज सब कुछ, मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखो कैसे खा रही हूँ जैसे कभी खाया ही ना हो। और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा यमी थी। कुछ चटपटा खाने के बाद अब मेरा इसकी बारी थी मीठा खाने की। यहाँ आए बंदा फलूदा ना खाए ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर मैंने एक फलूदा आइसक्रीम बनवाई अपने लिए, और ये वाले भैया बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब इन्होंने देखा कि वीडियो बना रही है तो उन्होंने बोला बेटा मेरी भी वीडियो बनाओ, नहीं तो कोई वीडियो में आना पसंद नहीं करता। लेकिन इन्होंने मुझको बोल के अपनी वीडियो बनवाई, फिर मैंने इन भैया की वीडियो बनाई, खुश हो गए थे कि मेरी वीडियो, मैं भी कैमरे में आ रहा हूँ, वो अच्छे। नहीं तो कोई भी अपनी वीडियो बनवाना पसंद ही नहीं करता है यहाँ पे। खो रजौरी गार्डन से बाहर निकलते टाइम यहाँ पे बहुत हरियाली है, तो सुंदर लग रहा है ना। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यहाँ मैं शॉपिंग करने आई थी, रबर बैंड, पिंस वगैरह, हेयर बैंड वगैरह लेने आई थी। तो बस बस मैं वही चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। वही अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी, बता कौन सी पिन लूँ, कौन सी अच्छी है। वो बोल रही थी कि ये ले ले। वापिस आ गई हूँ, आकर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। आज आपको, आपने देखा होगा मैंने कितना कुछ खाया है, आज मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सोके, सोके। अभी देखती हूँ मैं, डिनर डिनर के लिए वैसे जगह तो नहीं है। अगर रात को भूख लगी तो मैं देखा जाएगा क्या खाना है। वैसे भी इतना हेल्दी खा लिया तो इतनी भूख लगेगी नहीं, आपको पता है। इतना मैं थक गई हूँ, जब से आ गई हूँ तब से मैं 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ, इतनी मेरे को प्यास लगी है। जबकि पानी की बोतल मैंने ली भी थी, वो भी खत्म कर दी मैंने। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके कि कैसा लगा है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि वो आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।